हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जो ये नई शिक्षक भर्ती के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है, उसके लिए आप सभी को कल दिनांक 23/3/2023 को आप लोगों को कहां पे पहुंचना है ये अभी तक मालूम नहीं है। मैंने कहा था कि मैं 22 तारीख को शाम में आप लोगों के सामने आऊंगा और बता दूंगा कि कहां पे एग्जैक्ट पहुंचना है। सबको ये जान रहा है कि लखनऊ चलना है, लेकिन एग्जैक्ट कहां पे पहुंचना है ये आप लोग जान लीजिए। और उससे पहले मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मतलब कि 23 तारीख को वहां पे लखनऊ में जरूर पहुंचे नई शिक्षक भर्ती के लिए, जो बच्चों के द्वारा कैंपेन चलाया जा रहा है। अगर मैं वहां पे नहीं जा पा रहा हूं और अन्य जो भी बच्चे नहीं जा पा रहे हैं तो वो प्लीज सपोर्ट करेंगे, घर से ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वहां पे जरूर पहुंचिए और बच्चों का समर्थन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा संख्या रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाएं ताकि जो नई शिक्षक भर्ती है वो जल्द से जल्द आ सके। और ये कहाँ पे पहुंचना है, तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की जो बिल्डिंग है, यानी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, और मैं इसको बता दूं कि SCERT लखनऊ में आप लोगों को पहुंचना है। बहुत लोग ये नहीं जान पा रहे होंगे कि ये SCERT लखनऊ ये है कहां, तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट पता बता दे रहा हूं कि ये है कहां पे। तो जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, यानी राजकीय पब्लिक स्कूल है, उसके लेफ्ट साइड से, जस्ट लेफ्ट साइड से एक बिल्डिंग, मतलब एक रास्ता गया है, और थोड़ी दूर 200 मीटर 250 मीटर जाने के बाद राइट साइड में लखनऊ डायट है। राइट साइड में लखनऊ डायट है और लखनऊ डायट से मुश्किल से 100 कदम आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में ही SCERT का बिल्डिंग है। तो वहीं पे हम लोगों को पहुंचना है, सारे विद्यार्थी वहीं पर पहुंचेंगे। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि वहां पे पहुंच करके इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाएं और जो भी हमारी मांग है नई शिक्षक भर्ती के लिए ये वो लोग मान जाएं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वहां पे जब संख्या रहेगी तो अच्छे से हम लोगों को रिस्पांस मिल पाएगा। तो मेरी यही प्रार्थना है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहां पे जरूर पहुंचे। धन्यवाद साथियों।